कक्षा 8 विषय मैथ और दिनांक है 28 अगस्त। आज की व्हाट्सएप क्विज के टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम 8 क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x/3+6=3x/5+8 में x का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये रैखिक बहुपद है, यहाँ पर 3x/5 है यानी चर है इसमें, और इसमें भी चर है, तो चर वाली संख्याओं को हम एक साइड में ले आते हैं। तो ये प्लस का है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये प्लस का 6 है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 6 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 6। तो ये आ गया 2x/3 - 3x/5=8-6। इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 5 का क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 15। तो बट्टा में क्या आ गया 15, 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार, और 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 10x, 5 का भाग देंगे 15 में 3 बार, 3 को 3x से गुणा कर देंगे तो 9x, तो 10x - 9x/15 बराबर घटाएंगे तो 2 बचेगा। यह आ गया 1x बराबर ये 15 भाग में, दूसरी साइड में अगर 2 के साथ क्या हो जाएगा गुणा, तो 1x/2×15 यानी x बराबर कितना आ गया 30, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 आपको यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर भी समीकरण दिया गया है 4z-3/5 - 2z-1/2=1/5-z। थोड़ी सी बड़ी समीकरण है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी चर दिया गया है, इस पद में भी चर है और इस पद में भी चर है, तो चर वाले पदों को हम एक साइड में ले आते हैं, तो माइनस का जेड इधर आएगा प्लस का जेड, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस जेड बटा 1। अब 5, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार, और 2 को फिर इन दोनों से हम गुणा कर देंगे, तो 2 को 4z से गुणा करेंगे तो 8z, और 2 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। उसके बाद 2 का भाग देंगे हम 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 को इन दोनों से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 5 को 2z से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10, और 5 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, लेकिन पीछे निशान किसका है माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 5 आ जाएगा। फिर 1 का भाग देंगे 10 में 10 बार, 10 को जेड से गुणा करेंगे तो 10z = 1/5। अब देखिए ये माइनस का 10z, ये प्लस का 10z, ये तो कट जाएंगे, तो ये क्या बच गया 8z, और ये माइनस का 6 और प्लस का 5 तो माइनस का 1 बचेगा, 8z - 1/10 बराबर इधर क्या है 1/5, तो 8z - 1/10 यहाँ पर भाग में इधर आएगा गुणा में, तो 10/5 हो जाएगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो 8z - 1/2 क्या आ गया 2 आ गया, माइनस का 1 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 1, तो 8z = क्या हो जाएगा 3, और 8 गुणा में दूसरी साइड में जाएगा भाग में, तो जेड का मान कितना जाएगा 3/8। इसके अंदर देखते हैं प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दी गई सेम ऐसे ही है 24y/8+3/8=-5/2। तो यहाँ पर भी हमें y का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 8 में 24 में 8 का भाग दे देते हैं, 3 बार जाता है तो ये तो आ गया 3y, ये प्लस का 3/8 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 3/8, 3y = 2 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा, 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, और 4 को किससे गुणा करेंगे -5 से तो माइनस का 20 आ गया, 8 का भाग देंगे 8 में 1 बार, 1 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, तो इधर तो क्या आ गया 3y, और इधर आ गया माइनस का 20 और 3 माइनस का 23/8। अब 3 गुणा में है दूसरी साइड में आएगा तो भाग में, तो -23/8×3 यानी -23/24 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 आपको यहाँ पर दी गई है सेम ऐसी समीकरण है 5x-3+8=2×3x, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 5x-3+8 कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि घटा देंगे 8 में से -3, और बराबर ये क्या आ गया इधर 6x, अब ये 6x है और ये भी x चर वाली संख्या है, इनको एक साइड में रखेंगे, प्लस 5 को हम इधर ले आएंगे तो प्लस 5 को बराबर की दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का 6, तो 5x-6x = -5 घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा बराबर -5, माइनस माइनस दोनों साइड से हट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। इसके अंदर प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 आपको यहाँ पर दी गई है 13t-3=t+21, यहाँ पर भी हमें t का मान निकालना है, तो 13t ये प्लस का टी है, इधर आएगा माइनस का टी, तो 13t-t=21 है, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा।
तो 13 टीम में से टी कटाएंगे तो 12 टी, और 21 और 3 कितने हो गए 24, 12 गुणा में है, दूसरे साइड में जाएगा तो 24 में 12 का भाग लग जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको यहाँ पर एक समीकरण को हल करके दिया हुआ है और इसके बारे में ये पूछा है कि ये सत्य है या असत्य है, और समीकरण दे रखा है x प्लस 15 माइनस 8 बराबर 5x माइनस 3x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 15 माइनस 8 7 आएगा, तो x प्लस 7, 5x माइनस 3x 2x माइनस 1 हो गया, ये माइनस का 1 है इसको उठा के इधर ले आए तो प्लस का 1 हो गया, 7 प्लस 1, और इस x को हम इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस x, तो x बराबर कितना आ गया 8। यानी ये समीकरण को सही तरीके से सोल्व करके दिया हुआ है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम सत्य। नेक्स्ट है, रिया की वर्तमान आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की एक तिहाई है, यानी माँ की तीन गुनी है, रिया की देखें तो एक तिहाई है, योग है उनका 76 वर्ष, तो रिया की आयु हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं रिया की आयु क्या है x, तो माता क्या हो जाएगी तीन गुनी है 3x, रिया की देखें रिया की एक तिहाई है तो मदर की कितनी आएगी तीन गुनी आएगी उसकी। अगर हम माता को x लेते हैं, माता की आयु को x लेते हैं, तो रिया की है वो आएगी x बटा 3। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों की आयु का योग कितना है 76 वर्ष है, तो x प्लस x 3x बराबर 76, 4x बराबर 76, 4 भाग में चला जाएगा तो x बराबर 76 बटा 4 यानी 19 वर्ष, रिया की कितनी आ गई 19 वर्ष। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, तुषार कृतिका से 12 वर्ष बड़ा है, यदि कृतिका की आयु x है वह अब से 11 वर्ष बाद तुषार की आयु कृतिका की आयु से दोगुनी हो, तो तुषार की 11 वर्ष बाद की आयु का व्यंजक, व्यंजक हमें यहाँ पर लिखना है, आयु निकालनी नहीं है, तो कृतिका की आयु कितने दे रखी है x दे रखी है, तो कृतिका की आयु x, तुषार कितना बड़ा उससे 12 साल बड़ा है तो x प्लस 12 हो गई। अब हमें लास्ट में यही पूछा है कि 11 वर्ष बाद तुषार की आयु का व्यंजक कितना होगा, तो 11 वर्ष बाद कृतिका की कितनी हो जाएगी x प्लस 11 हो जाएगी, और तुषार की कितनी होगी, तुषार की कितनी x प्लस 12 है, तो x प्लस 12 प्लस 11 हो जाएगी, यानी x प्लस 23 हो जाएगी, ये इसका व्यंजक आ जाएगा, इसको आगे सोल्व नहीं करना है। तो आज की व्हाट्सएप क्विज के 8 क्वेश्चन थे, इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है। धन्यवाद।